Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we will discuss very important topic for the last 20 days preparation. Okay, last 20 days mein what we can cover or what we can revise. So ye kafi mahatvapurna kafi important topic hai jo ki hum log discuss karenge abhi. Unit wise honge sabhi ke sabhi, unit 1 se leke unit 10 tak hum log discuss karenge ki kaun kaun se topic jo hai bahut zyada important hai, bahut zyada exam mein aate hain और उनको आपको कवर करके जाना है, उनको रिवाइज करके जाना है. अगर आपकी अभी तक रिवीजन नहीं हो पाया अच्छी से तो इन लास्ट 20 डेज में क्या क्या टॉपिक आपको कवर कर लेने चाहिए. ओके, सो नियर अबाउट 20 डेज बचे हैं, आप बोल सकते हैं 18 डेज मान के चलिए. लास्ट वन या टू डेज में उतना पढ़ाई नहीं होता है, सो अप्रॉक्स 18 डेज यू कैन जस्ट कंसिडर. और इसमें 10 यूनिट है, सो आपको लगभग 10 डेज लग जाएंगे थ्योरी पढ़ने में. अगर आप सेपरेटली पढ़ते हैं, अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो यू जस्ट टेक 15 डेज जस्ट टू कवर क्वेश्चन एज वेल एज दी थ्योरी. सो वी विल डिस्कस ऑल द स्ट्रेटजी, कैसे आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है. ओके, सो इस डेट को याद रखना, 5 दिसंबर 2021. बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी. ओके, आप लास्ट टाइम पे अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं रिवीजन के लिए और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं. ओके, और आल्सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल सोशल वर्क पोर्टल, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए. सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो लिंक है ना, अदर नोटिफिकेशन आपको यहीं मिल जाएंगे. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ज्वाइन करिए फॉर सोशल वर्क एज वेल एज फॉर दी विमेन स्टडी. जो लोग विमेन स्टडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. For any query, you can just mail me on this email ID also. Okay, these are the courses. ये सभी courses हैं, इनको अगर आप join करना चाहते हैं, okay, you can just join. अभी 20% discount है on all the courses. तीनों courses पे आप you just get 20% discount. And I think जो test series है काफ़ी महत्वपूर्ण है. अगर आप last time पे 20 days में अगर अच्छे से आप practice करना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप easily इस test series के माध्यम से अच्छी practice कर सकते हैं. यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यूनिट वाइज जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू है उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में. और लास्ट 3 ईयर के पी वाई क्यू मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे. ओके, वीडियो लेक्चर नहीं है, या यहाँ पर पी वाई क्यू मॉक टेस्ट है. ओके, एंड दीज आर द आल्सो अदर कोर्सेस. अगर आप थ्योरी को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट टेक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, सो यू गेट 20% डिस्काउंट ऑल द कोर्सेस. सो नाउ लेट स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की. यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको कवर करना है. ओके, डेली आप बोल सकते हैं आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना होता है ना. सो पेपर 2 के लिए यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट 1 को डेली आपको डेली एक यूनिट को आपको पढ़ना है. ओके, 1 यूनिट रिविजन, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उसी यूनिट का. ओके, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं या जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है वो सॉल्व कर सकते हैं. बाकी जो पेड ग्रुप में है जिन्होंने कोर्स परचेज किया है वो लोग डायरेक्टली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू के यूनिट वाइज. ओके, सो पहले आपको थ्योरी पढ़नी है. थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस. ओके, सबसे पहले तो आपको ये जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि सोशल वर्क के कितने मेथड हैं, सोशल वर्क BU6 मेथड, राइट, 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी, तो इनको आपको पता होना चाहिए. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. केस वर्क है, ओके, ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है. ये जो सेकेंडरी मेथड है इनमें आपका आ जाता है सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च. तो ये यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है ना, कौन सा प्राइमरी मेथड है, कौन सा सेकेंडरी मेथड है. तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये पढ़ लेना. ओके, उसके बाद आपको क्या क्या सोशल वर्क का क्या स्कोप है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं. नेक्स्ट आपका एलिजबेथन पुअर लॉ 1601 बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको अच्छे से पढ़ लेना. एलिजबेथ पुअर लॉ में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है ना, ये कि इम्पोर्टेंट पुअर कौन है, इम्पोर्टेंट एबल्ड बॉडी पुअर है ना, आइडल पुअर, ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है हर बार, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता है. तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना एलिजबेथन पुअर लॉ 1601 वाला. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से, ओके, COS को लंदन में कब बनाया गया, यूके में है ना, कब बनाया गया, किस ईयर में बनाया गया, किसके द्वारा, हु फाउंडर, फाउंडर कौन है। एंड इसी प्रकार से सीओ सोसाइटी को यूएसए में किस ईयर में इसको फाउंड किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, और फाउंडर कौन है और किस सिटी में, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इनको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बोल सकते हैं ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है जो कि इसमें मैं अलग से बता देता हूँ, बेवरेज रिपोर्ट। बेवरेज रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज, 1942, ओके, सर विलियम बेवरेज के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था यूके पार्लियामेंट में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इन्होंने फाइव जायंट की बात की थी है ना, वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, ये स्क्वरल, झगड़ा, लड़ाई, आइडलनेस, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर काफ़ी जो महत्वपूर्ण मेजर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चलाए गए है ना, सामाजिक आर्थिक जो धार्मिक मूवमेंट चलाए गए डिफरेंट लीडर के द्वारा, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका मैं आपको नाम बता देता हूँ है ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर है, ओके, दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा कौन सी संस्था को बनाया गया, कौन सा फाउंड किया गया, किस ईयर में फाउंड किया गया, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले, राइट, सरोजिनी नायडू, मेधा पाटकर, ये सभी जो मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट भी चलाए गए उनको भी आपको याद करना है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे बिश्नोई मूवमेंट है, राइट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर चिपको आंदोलन, ये सभी इन्वायरमेंटल मूवमेंट है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, राइट, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट, अपीको मूवमेंट, इनको आप लिखते जाना है ना, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है इस पर, सो आप इसको लिखते जाना, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, लास्ट यूनिट में भी ये टॉपिक कवर हो जाते हैं ना इन्वायरमेंट वाले, डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वहाँ से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई मूवमेंट कहाँ चलाया गया है, हु फाउंडेड दिस मूवमेंट, हु इनिशिएटेड दिस मूवमेंट, इन विच ईयर, इन विच प्लेस, ओके, व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, और छोटे से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही आपको अच्छे से पढ़नी होती है डिटेल में, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट, और 19th सेंचुरी में कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए, राइट, इन सबको आपको पढ़ लेना। लेवल ऑफ थ्योरी और सोशल वर्क प्रैक्टिस, ग्रांट थ्योरी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, राइट, बहुत सारी थ्योरी, जैसे इसमें जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ सोशल वर्क, इनको भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम में आ सकती है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी, या आप यूनिट सेकंड भी पढ़ते हैं यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, जनरल सिस्टम थ्योरी, ओरिएंटिंग थ्योरी, राइट, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, बस आपको किसके द्वारा ये जो है थ्योरी बनाई गई, ओके, उस थिंकर का नाम आपको बताना है, राइट, और इसका मेन क्रैक्स क्या है, मतलब थ्योरी किसके रिगार्डिंग, जैसे फील्ड थ्योरी है, अब फील्ड थ्योरी क्या बताती है, फील्ड थ्योरी बोलती है कि जो बिहेवियर है इंसान का, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड दिस इन्वायरमेंट, तो बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस उसका जो मूल मंत्र है उस थ्योरी का, उसका एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए थ्योरी क्या बोलती है, ओके, और किसके द्वारा दिया गया, जैसे कि फील्ड थ्योरी दी गई कर्तुलिन के द्वारा, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, बस थोड़ा सा एक दो लाइन आपको एक आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव नहीं आते हैं, आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, आपको बस मार्क करना है, तो दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि यार ये थ्योरी किससे रिलेटेड थी और कौन इसके थिंकर थे, तो आप इजीली आंसर लगा सकते हैं, तो वैसे भी वहाँ पर मैच द फॉलोइंग आता है ज़्यादातर, ओके, मैच द फॉलोइंग में इजीली आप निकाल सकते हैं, चार ऑप्शन, ओके, चार रहते हैं लिस्ट वन लिस्ट सेकंड में, तो दो तीन में से आपको एक दो तो आता ही होगा, राइट, तो इजीली आप उसको पेयर कर सकते हैं, तो एक बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए थ्योरी के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको पता होना चाहिए, ओके, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट इसमें जो थ्योरी है, लेवल ऑफ थ्योरी, सोशल वर्क है ना, ग्रांट थ्योरी, इनको पढ़ लेना, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है ना, ग्रांट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, CW मिल्स के द्वारा, राइट, इसके अलावा यहाँ पर और भी थ्योरी है, मैक्रो थ्योरी,
मैक्रो थ्योरी बोलते हैं या फिर इसको ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं, इसको पढ़ लेना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिडिल थ्योरी, इसे मिडिल रेंज थ्योरी बोलते हैं। ओके, के मार्टिन के द्वारा, आर के मार्टिन के द्वारा दी गई थी। बस एक एक दो दो लाइन होती हैं, और जैसे जो लोग भी पेड ग्रुप में है ना, उनके पास तो पीडीएफ होगा ही, और एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको आप रिवाइज कर लेना, राइट। इसके अलावा माइक्रो थ्योरी है, सबसे छोटी थ्योरी इसको बोलते हैं, मतलब छोटे स्केल लेवल, छोटे स्मॉल स्केल सिचुएशन जो होती हैं, छोटी छोटी सिचुएशन होती हैं, उस पर वर्क करती है ना। जैसे हॉस्पिटल है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उनमें माइक्रो थ्योरी काम करती है। एंड मैक्रो मीजो एंड माइक्रो सोशल वर्कर, ये बेसिकली सोशल वर्कर किस प्रकार से डील करते हैं डिफरेंट तरीके से। ओके, माइक्रो, मीजो और माइक्रो, मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है मैक्रो सोशल वर्कर डील करते हैं बड़ी बड़ी समस्या, जैसे नेशनली इंटरनेशनली बड़े बड़े एनजीओ जो होते हैं, पॉलिसी स्पॉन्सर से, ये सभी चीज़ें। मैक्रो से थोड़ा सा छोटे बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, एक ग्रुप में काम करना, ग्रुप की समस्याओं को हैंडल करना। और माइक्रो जो होते हैं काइंड ऑफ यू कैन से सोशल केस वर्कर, है ना, इंडिविजुअली डील करते हैं, फैमिली के साथ डील करना, वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं माइक्रो लेवल पर। तो इतना बेसिक आपको एक आइडिया रहना चाहिए यूनिट वन में। ओके, और इससे ही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बताया है कि जैसे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 95% चांसेस होते हैं, है ना, इससे भी 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के। बाकी ये जो मूवमेंट है यहाँ से तो 100% ही आते हैं क्वेश्चन, 99 मान लीजिए, राइट। थ्योरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से अलग से नहीं आते हैं, यही टॉपिक है। अब यूनिट वन से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यही है, इनको अच्छे से देख लेना, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, राइट। बस क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, बाकी मैंने जो मॉक टेस्ट वीडियो फॉर्म में आपको दिया हुआ है, उसको मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा लीजिए, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन या लगभग 35 क्वेश्चन है हर एक वीडियो में, उसको अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए। बाकी तो यही सब टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, राइट। क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 या 9 टॉपिक हैं। ओके, 2 3 घंटे से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, 3 4 घंटे से ज़्यादा। अब वैसे भी लास्ट 20 डेज़ हैं, अब 1 साल से आप वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिए एग्ज़ाम के लिए, राइट। 8 to 9 आवर पढ़िए डेली, और ज़्यादा भी दे सकते हैं, दैट इज़ गुड, एटलीस्ट यू शुड डिवोटेड 8 आवर, राइट, फॉर द पेपर। सो यू कैन जस्ट टेक आउट 4 आवर फॉर द पेपर टू और 3 आवर, जितना भी आपके पास समय है उसके अनुसार दे सकते हैं। और इतने समय में काफ़ी आप पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, 20 डेज है। ओके, सो जस्ट कवर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट सेकेंड, यूनिट फर्स्ट। ओके, बाकी आपके पास जो PYQ है उनको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास अगर बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए, अगर आप कहीं पर ज्वाइन कर रखे हैं पेड ग्रुप वगैरह तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं नोट्स, और जो PYQ क्वेश्चन है, MCQ है, उनको लगा लीजिए, इतना सफिशियंट है पेपर, सॉरी यूनिट वन के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के लिए। यूनिट सेकंड के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनको आई थिंक आपको कवर करना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, सोशल चेंज है। ओके, सोशल चेंज क्या होता है, सामाजिक बदलाव का मतलब क्या होता है, ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल चेंज को दर्शाते हैं, या उसकी वजह से सोशल चेंज होता है, राइट। जैसे कि कल्चरल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये भी एक नया फैक्टर हो गया है, राइट। आइडियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, पॉपुलेशन है, ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे समाज को, सोसाइटी को बदलते हैं, तो इनको पढ़ लेना। ओके, इसके अलावा इसी के अंदर जो थ्योरी है सोशल चेंज की थ्योरी, जैसे कि एवोल्यूशनरी थ्योरी है, राइट, अगस्त कॉम्टे के द्वारा दी गई थी, राइट। इन्होंने बताया था कि सोसाइटी जो है 3 डिफरेंट स्टेज से पास होती है, पहला था थियोलॉजिकल, दूसरा था मेटाफिजिकल, तीसरा पॉजिटिव, जिसको या फिर हम साइंटिफिक स्टेज बोलते हैं, राइट। डार्विन के द्वारा थ्योरी दी गई थी एक, इसको ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय दी चार्ल्स डार्विन। तो ये बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए कि क्या बोलते हैं, इनका क्या मानना है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स है, राइट, साइक्लिकल थ्योरी है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म थ्योरी, उसके अलावा लीनियर थ्योरी,
मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, मॉडर्नाइजेशन इसकी वजह से हो रहा है जो सामाजिक बदलाव, राइट, ये सभी चीज़ें बेसिक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए इसके अंदर। ओके, अब सोसाइटी क्या होती है, कंसेप्ट सोसाइटी गाइज, इसको आप लिखते जाना कॉपी में, अगर आपको जो जो इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक लग रहे हैं, टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको लिखना है अच्छे से और याद कर लेना। ओके, सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी का मतलब क्या है, राइट, एक ऐसा ग्रुप जिसमें जिस दे शेयर द कस्टम्स एंड बिलीव्स एंड ऑल द लॉ, उसे एक सोसाइटी बोलते हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है, राइट, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से लोग लर्न करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, जन्म होने जा हो जाने के बाद और डेथ, मृत्यु होने से पहले पहले तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो एक काइंड ऑफ प्रोसेस है पूरा। ओके, कौन कौन सी थ्योरी है सोशलाइजेशन की, इसके पहले जो सोशल स्ट्रक्चर पढ़ लेना सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, टैलकॉट पियर्सन के द्वारा जो है ना प्रिंसिपल दिए गए सोशल स्ट्रक्चर के, यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यू, पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू है, अचीव सोशल वैल्यू, एस्क्राइब सोशल वैल्यू, ये पढ़ लेना, ये यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है, ये मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यू। ओके, दूसरा होता है आपका पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू, तीसरा होता है अचीव्ड सोशल वैल्यू, और चौथा है आपका अस्क्राइब सोशल वैल्यू। इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसकी थ्योरी भी है सोशलाइजेशन की, कुछ थ्योरी कूले की थ्योरी है, चार्ल्स कूले की थ्योरी, लुकिंग ग्लास थ्योरी है ना, मिट थ्योरी, मिट के द्वारा थ्योरी दी गई थी, इसके अलावा सिगमंड फ्रॉड के द्वारा थ्योरी दी गई थी एक, जिसमें उन्होंने बताया था कि तीन स्टेट होती है, इद ईगो एंड सुपर ईगो, साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। और सोशलाइजेशन कितने लेवल पे होता है, 3 लेवल पे सोशलाइजेशन होता है, एक आपका माइक्रो लेवल जैसे कि फैमिली है ना, पेरेंट्स है, मेजर लेवल एक जैसे कि स्कूल है, कॉलेज वगैरह जाते हैं तो है ना, रिलीजन ग्रुप है, ये मैक्रो मेजो लेवल होता है बीच का, उसके ऊपर होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ी कम्युनिटी है, सिटी है, राइट, सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है ना, एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो, ये उसे बोलते हैं मैक्रो लेवल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें कौन सा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना इन दी सोसाइटी, बिकॉज यहाँ लिखा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सो स्ट्रेटिफिकेशन इन दी सोसाइटी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो डिफरेंट तरीके से जो है सोसाइटी में जो है स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, राइट। तो इसको एक बार आपको देख लेना अच्छे से, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझना है बस। ओके, जैसे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया है कि सोसाइटी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 क्लास होती है सोसाइटी के अंदर, एक कैपिटलिस्ट की होती है, एक लेबर क्लास, वर्किंग क्लास बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। बाकी नेक्स्ट क्या है, फैमिली रिलीजन, बेसिक आइडिया रहना चाहिए फैमिली क्या है ना, कितने प्रकार की फैमिली होती है, एंड रिलीजन क्या है, ये सभी चीज़ें। मैरिज कितने प्रकार की होती है वो भी देख लेना एक बार, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पैट्रियार्कल फैमिली है, राइट, सिंगल मैरिज फैमिली, ग्रुप मैरिज क्या होता है, ये सभी चीज़ें बेसिक बेसिक पढ़ लेना। रिलीजन क्या है, रिलीजन भी कई प्रकार का होता है, राइट, जैसे पॉलीथिज्म है ना, मोनोथिज्म, इसमें सिंगल गॉड को माना जाता है, पॉलीथिज्म में मल्टीपल गॉड होते हैं, जैसे हिंदुज्म है ना, एनिमिज्म जो ट्राइबल लोग फॉलो करते हैं, है ना, दे वर्शिप ऑल द नेचुरल थिंग्स, पेड़ पौधे, जमीन, जंगल, राइट, सब कुछ। एथिज्म, ये जो है ये रेशनलिटी पर बिलीव करते हैं, भगवान पर बिलीव नहीं करते, काइंड ऑफ। टोटेमिज्म,
नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करते हैं, राइट। ये कुछ ट्राइबल कैटेगरी आ जाती है इसमें, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता, वैसे पता होगा ये क्या होता है मोनोथिज्म एनीथिज्म, राइट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एजीआई मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है एजीआई मॉडल, एग्जाम में जरूर आएगा। ए का मतलब होता है एडॉप्शन, एडॉप्टेशन, एंड जी का मतलब होता है गोल अटेनमेंट, राइट। इसके अलावा इसमें आई है, तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस में होगा? इन दी सोसाइटी, यू कैन से लाइक द कल्चरल सिस्टम। और फोर्थ जो इसमें है एल, एल का मतलब होता है लेटेंट पैटर्न या काइंड ऑफ मेंटेनेंस इन दी सोसाइटी और काइंड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो चार सोशल सिस्टम के मॉडल है इनको पढ़ लेना, ओके। बाकी कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक आइडिया रहना चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में जरूर आता है डिफेंस मैकेनिज्म से, राइट। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जैसे रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, ये सभी के सभी जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म, इनको पढ़ लेना। इसकी आई थिंक जो पेड ग्रुप में है उनमें पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए इसमें पीडीएफ में मैंने प्रॉपर एक टेबल बनाया हुआ है, तो खाली उसी टेबल को आपको पढ़ लेना है अच्छे से बाकी, ओके। इसी के अंदर आपके कुछ थ्योरी आ जाती है, बिहेवियरल थ्योरी भी, जो बिहेवियरल थ्योरी जैसे मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दिया था, है ना, पावलोव थ्योरी, लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, राइट। अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, ओके। अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो तीन चार थ्योरी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना, जिनको पढ़ के जाना जरूर, ओके। अच्छी थ्योरी है। बाकी एक कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी क्या है उसको समझ लीजिए, किस प्रकार की कम्युनिटी होती है, राइट। रूरल कम्युनिटी, राइट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है, ये सभी चीज़ें हैं, बेसिक है। इतना पढ़ लेना यूनिट सेकंड में, इतना पर्याप्त है आई थिंक। इतने पढ़ने में आपको आई थिंक एक दिन में कवर कर सकते हैं, यूनिट सेकंड थोड़ा बड़ा है, ओके। सो यू कैन जस्ट गिव 2 डेज, लाइक जस्ट 3 डे एंड सॉरी 3 आर एंड 3 आर, 2 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं विद द क्वेश्चन, ओके। जैसे यूनिट सेकंड है, यूनिट 5 है, यूनिट 9 और यूनिट 10, इनको आप 2 2 दिन दे देना, ओके। इजीली आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 10 ही यूनिट है ना, तो अगर आप सिक्स सिक्स यूनिट को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 1 सेकेंड, टोटल 10 यूनिट है आपके, राइट। सो बेसिकली आपको 10 डे लगने चाहिए करने में, बट जो 6 यूनिट हैं वो छोटी यूनिट है, तो उनको आपको 6 डे में कर सकते हैं, राइट। और बाकी 4 यूनिट हैं जो बड़ी यूनिट है, जैसे कि यूनिट 2 है, यूनिट 5, यूनिट 9, यूनिट 10, तो उनको आप 4 4 8 8 डे लगा सकते हैं, राइट। एक यूनिट पर 2 डेज, 2 दिन में, राइट। सो आपका इजीली कवर हो जाएगा, 8 एंड 6, 14 डेज में आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, बाकी फिर आप रिवाइज करते रहना आराम से, राइट। तो ये यूनिट 1 यूनिट सेकंड हो गया, बाकी अभी सभी यूनिट को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी यूनिट 3 को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उनको कवर करना चाहिए, राइट। सबसे पहले सोशल केस वर्क की हम बात करेंगे, ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्राइमरी मेथड है सोशल केस वर्क का, जिसको हम व्यक्तिगत व्यक्तित्व समाज कार्य बोलते हैं, सोशल केस वर्क, राइट। यहाँ पर जो सोशल वर्कर है वो डील करता है किस प्रकार से किसी भी पर्सन की जो फंक्शनिंग है, सोशल फंक्शनिंग है, उसको इन्हेंस करना, उसको रिस्टोर करना, उसको इम्प्रूव करना, ये सभी काम होते हैं सोशल केस वर्कर के, ओके। इसको समझना, बेसिक मीनिंग क्या होता है इसका, राइट। इसके अलावा सोशल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट, पर्सन इन द इन्वायरमेंट फिट क्या होता है, बाकी इसमें इसी के अंदर आपके जो प्रिंसिपल आ जाते हैं, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल केस वर्क, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी सिंपल, अगर आपको पता है कि केस वर्क क्या है और इसके जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में आपको पता है, तो नेचर और करेक्टरिस्टिक भी इज वेरी सिंपल, राइट। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट आपका सोशल एनवायरनमेंट।
ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको समझ लीजिए। इसको बोलते हैं सामाजिक वातावरण, राइट। जैसे कि पर्सन इन द एनवायरमेंट फिट, ओके, इसका मतलब क्या होता है? कई मॉडल होते हैं पर्सन इन द एनवायरमेंट के, चार मॉडल, जैसे पर्सन टू पर्सन फिट है ना, पर्सन टू जॉब फिट। पर्सन टू पर्सन फिट का मतलब होता है कि आप अदर लोगों के साथ कैसे कंपेटेबल है। मान लीजिए किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग, तो अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आप कितने कंपेटेबल है ना। पर्सन टू जॉब फिट, उस जो आपकी जॉब है, जो प्रोफाइल है ना, उसके साथ कितने कंपेटेबल, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए एज ए एम्प्लॉय, उसे बोलते हैं पर्सन टू ज्वाइन, पर्सन टू जॉब। पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, राइट, उसके क्या गोल हैं, राइट, क्या रिक्वायरमेंट है। एंड पर्सन टू ग्रुप फिट, और जो भी आपके कलीग्स हैं, पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा समूह है, राइट, ओके, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने के लिए आप किस प्रकार से जो है उसमें कंपेटेबल हैं, कितने फिट हैं, क्या क्या क्वालिटी जो है रिक्वायरमेंट होती है ग्रुप में अपने आप को, ओके, एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं पर्सन इन द एनवायरमेंट फिट में, ओके। मॉडल ऑफ द पर्सन एनवायरमेंट फिट के जो मैंने आपको बताए दिए हैं कौन कौन से मॉडल हैं, राइट, ये सभी के सभी आपके मॉडल हो गए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सोशल केस वर्क, वही प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, कितने प्रिंसिपल हैं, सभी प्रिंसिपल पढ़ लेना। मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप जाके उसको देखिए, ओके, डिटेल में समझाया गया है, पूरा डिटेल में कौन कौन से सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल हैं, एक एक करके सबको बताया है, ओके। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट एटीट्यूड है, ये सभी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सभी सभी जो प्रिंसिपल हैं, दैट इज कवर्ड अंडर द सोशल केस वर्क प्रिंसिपल। एंड व्हाट आर द अप्रोचेज एंड द टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क, कौन कौन सी अप्रोचेज, कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, वो भी आ जाते हैं, प्रोसेस भी एग्जाम में आ जाता है, जैसे इनटेक, एक्सप्लोरेशन जिसको आप स्टडी बोल सकते हैं, डायग्नोसिस जिसको आप असेसमेंट बोलते हैं, है ना, इंटरवेंशन जिसको आप ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, इस प्रकार से जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ओके। अप्रोच एंड द टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क, सोशल केस वर्क की जो अप्रोचेज हैं, टेक्निक है, वो भी आपको पढ़ लेना है। अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे कि डायग्नोस्टिक अप्रोच, राइट, फंक्शनल अप्रोच है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, टास्क सेंटर्ड अप्रोच जिसको कई बार पढ़ा होगा आपने, एक रेडिकल अप्रोच भी होती है। तो ये सभी अप्रोच होती है सोशल केस वर्क में, इनको पढ़ लेना है, ओके। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? सोशल ग्रुप वर्क, ओके। पहला जो मेथड है, प्राइमरी मेथड सोशल वर्क का, सोशल केस वर्क हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब देखते हैं सोशल ग्रुप वर्क। सो इन द सोशल ग्रुप वर्क आल्सो आपको पता रहना चाहिए कि सोशल ग्रुप वर्क होता क्या है, बेसिक आइडिया रहना चाहिए, और इसके जो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, राइट, जो कि किसके द्वारा दिए गए थे, HB ट्रकर एंड डगलस के द्वारा। टोटल लगभग 10 प्रिंसिपल हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसका अलग से मैंने फोटो भेज शेयर किया हुआ है ग्रुप में, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रॉपर, उसमें शॉर्ट ट्रैक भी दिया हुआ है शायद, तो याद करने के लिए आसानी होगी आपको, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म अप्रोच है ना, इंडिविजुअल अप्रोच, क्राइसिस इंटरवेंशन है ना, ये सभी अप्रोच जो है इसमें आ जाएंगे आपके। क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल ग्रुप वर्क, ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटी छोटी टर्म होती है उनको पढ़ लेना, जैसे नॉर्म्स क्या होती है ना, कन्फर्मिटी क्या है, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, आपने देखा होंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है ना, कोहेंशन, कोहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है, या है ना, ग्रुप डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, राइट। एंड कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, ये जो इस प्रकार से छोटे छोटे टर्म होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ओके ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। अब सोशल ग्रुप वर्क को क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट तरीके से, है ना, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि
चार्ल्स कूले के द्वारा बताया गया था। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन सा होता है, सेकेंडरी ग्रुप कितने प्रकार के, जैसे कि रेमेडियल ग्रुप है, ग्रोथ ग्रुप है, टास्क ग्रुप है, उनको सेकेंडरी ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ एक इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द पीपल ऑफ द ग्रुप, ओके, उसको बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, उसको भी समझ लेना। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बस, बेसिक। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, राइट, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक आइडिया क्या रोल होता है एक अच्छे ग्रुप लीडर का, है ना, एक पूरे ग्रुप को एक पर्पस देना, एक अच्छी टीम बनाना, है ना, उसके जो पोटेंशियल है टीम का पूरा यूटिलाइज करना, ओके, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, अच्छी टीम को मैनेज करना, ये सभी चीज़ें, मोटिवेट करना, लीड करना, है ना, मॉनिटर करना, ये सभी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक आपको आइडिया रहता ही है कि एक अच्छा लीडर कौन सा हो सकता है, राइट। स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 99% होते हैं चांसेस के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ओके। स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट जैसे कि टुकमैन के द्वारा दिए गए थे 5 स्टेज, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, राइट, और एडजॉर्मिंग। इस प्रकार से ये जो 5 जो स्टेजेस हैं उनको पढ़ लेना अच्छा डिटेल में, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ओके। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसको इसको आपने शायद पेपर में भी पढ़ा होगा, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ भी सकते हैं। एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, हो सकती है, जैसे कि अपवर्ड है, डाउन वर्ड है, राइट, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्क करता है, लेटरल कम्युनिकेशन, इस प्रकार ये बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए इसका। सोशल ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग, इसको पढ़ लेना कितने प्रकार का रिकॉर्डिंग होता है ना, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, समरी रिकॉर्डिंग, नैरेटिव रिकॉर्डिंग, है ना, ये बेसिक जो रिकॉर्डिंग है उनको पढ़ लेना, बस इतना आएगा आपको यूनिट 3 से। यूनिट 3 से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यूनिट 3 में, ओके। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं 2-3 घंटे में, 3 आवर में कवर कर सकते हैं पूरा ये जो टॉपिक है। बहुत ज़्यादा आपको इन टॉपिक से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, जैसे प्रिंसिपल से क्वेश्चन बन जाएगा, राइट, या फिर ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बन जाता है, लीडरशिप से क्वेश्चन बन जाता है, लीडरशिप से तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उनको आप इजीली लगा सकते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर देखा भी होगा कि लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको आप इजीली लगा सकते हैं, तो वही क्वेश्चन यूनिट 3 से आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए बस, ओके। नाउ अभी हम लोग देख लेते हैं यूनिट 4 को, यूनिट 4 के कौन कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। देखिए यूनिट 4 से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट, तो इसको समझ लेते हैं कि करके। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। पहले तो पता होना चाहिए कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, राइट, उसके कुछ फीचर होते हैं कि लोकेलिटी होनी चाहिए, राइट, एक परमानेंसी होनी चाहिए कि लोग एक जगह काफ़ी लंबे समय से रह रहे हो, वहाँ पर उनके बीच में सेंटिमेंट्स होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, जिसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं, सोशल फैब्रिक बनता है ना। लाइकनेस होनी चाहिए, लाइकनेस का मतलब होता है कि सेम कल्चर हो उनका, सेम रिलीजन, सेम कस्टम, सेम लैंग्वेज, है ना, सेम कल्चर, और ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फीचर बोल सकते हैं कम्युनिटी के होते हैं। तो बेसिक आइडिया होनी चाहिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कि कम्युनिटी के लिए काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, यूनियन है, चर्चेज हैं, राइट, हॉस्पिटल्स हैं, जो एजेंसीज होती हैं, ये सभी क्लब्स हैं, ये सभी काम करते हैं एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, किसके द्वारा दिए गए, जैसे कि 8 प्रिंसिपल गिवन बाय दी सिद्दीकी, उनको पढ़ लेना। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, पीपल पार्टिसिपेशन, इंटर ग्रुप अप्रोच, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इन सबको मैंने वीडियो में बनाया हुआ है। यूनिट 4 का जो PDF फाइल मैंने ग्रुप में शेयर किया है उसको पढ़ लेना रिवीजन के तौर पे, ओके, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सभी कवर किए हैं, ओके। कितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है ना, ऑपरेटिंग रिकॉर्ड, टीचिंग रिकॉर्ड्स, है ना, प्रोसेस रिकॉर्ड्स, ये सभी आपको पढ़ लेना है इसमें टाइप ऑफ रिकॉर्ड में। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO क्या होता है, ओके, NGO फॉर्म कैसे होता है,
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनजीओ का क्या रोल होता है, रोल से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। रोल इन द डिफरेंट सेक्टर लाइक इन द एजुकेशन, इन द हेल्थ, इन द ह्यूमन राइट्स, इन द डिजास्टर रिलीफ, राइट, इन द रिहेबिलिटेशन, ह्यूमन राइट्स, पीस, बहुत सारे क्षेत्र में जो है एनजीओ काम करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंटी करप्शन, लैंड राइट के लिए, कंजर्वेशन के लिए, बहुत प्रकार से जो है एनजीओ काम करता है। ओके, तो इसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। इसके अलावा जो अप्रोचेज दी गई हैं, इसमें अप्रोचेज ऑफ एनजीओ कैसे फॉर्म होता है वो सब पढ़ लेना आप, एंड अप्रोचेज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस, कौन कौन सी अप्रोच होती है। जैसे कि एक तो सिंपल है सोशल वर्क अप्रोच, है ना, दूसरी होती है पॉलिटिकल एक्टिविज्म, जिसको बोल सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच, जो कि सॉल एलेंस्की के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से लोग इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे आते हैं तो एक पॉलिटिकल एंटिटी बनती है, जिसके माध्यम से जो है कोई भी बदलाव किया जा सकता है। जब पावर होगी तो बदलाव पॉसिबल है, सोल्यूशन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें, इसी में नेबरहुड मेंटेनेंस, इसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच बोलते हैं, राइट। इसके अलावा नेबरहुड डेवलपमेंट अप्रोच, ये सभी पढ़ लेना। सिस्टम अप्रोच भी है, रेडिकल अप्रोच भी है, सॉरी स्ट्रक्चर चेंज अप्रोच भी है इसमें, इनको पढ़ लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जो अप्रोचेस है इनके, इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या मतलब, जैसे कि मान लो स्ट्रक्चर चेंज अप्रोच है तो किसका मतलब क्या होता है, राइट, या फिर सिस्टम चेंज मॉडल है, सिस्टम चेंज अप्रोच है, इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो टॉपिक है बोल सकते हैं कि यहाँ से 99% चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। इसको जरूर पढ़ के जाना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, रोथमन के द्वारा दिए गए थे, कौन कौन से थे, लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, स्पेस सोशल प्लानिंग मॉडल, और तीसरा कौन सा था, सोशल एक्शन मॉडल। इनको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ओके, इसके अलावा एक सॉल एलिनस्की के द्वारा कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल दिया गया था, उसको पढ़ लेना, वो भी महत्वपूर्ण है, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है और सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए, ह्यूमन कैपिटल का इसको समझ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि ह्यूमन की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त होती है, राइट, जैसे कि क्रिएटिविटी है, राइट, नॉलेज है, एबिलिटीज़ है, स्किल्स है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, ये सभी कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो एक सोसाइटी शेयर करती है वो सभी कैपिटल, जैसे कि डाइवर्सिटी है, राइट, एक नेटवर्क होता है लोगों के बीच में, है ना, फीलिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, रेसिप्रोसिटी होती है, लेन देन करना, आदान प्रदान करना, वैल्यू है, नॉर्म्स है ना, पार्टिसिपेशन होता है, ये सभी चीज़ें कहलाती हैं आपकी सोशल कैपिटल। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका सोशल एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सोशल एक्शन का मतलब क्या होता है, सोशल एक्शन का मतलब होता है, क्या होता है सोशल एक्शन मतलब, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्टेप लेना जिसके माध्यम से सोसाइटी के अंदर जो कुछ गलत है उसको ठीक करना, उसको बेहतर करना, ओके, ताकि जो फ्यूचर बेहतर हो पाए, उसको बोलते हैं सोशल एक्शन। काइंड ऑफ टेकिंग सम काइंड ऑफ स्टेप्स टू चेंज थिंग्स इन द सोसाइटी विच इज रॉन्ग, उसे बोलते हैं सोशल चेंज, सोशल एक्शन। ओके, ये हो गया आपका मूवमेंट एंड द सोशल चेंजेस, कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए उनको पढ़ लेना आपको, इसमें मेथड भी आता है सोशल एक्शन का, और ये मॉडल जो है, इसको मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ के जाना, ब्रूटो के द्वारा दिए गए थे 1984 में लगभग। पहला तो आपका था एलिटिस्ट सोशल एक्शन मॉडल, दूसरा आपका कौन सा था, इसी के अंदर आते हैं एक तो आपके लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल, है ना, इकोनॉमिक सोशल, इकोनॉमिक सेंक्शन मॉडल, डायरेक्ट फिजिकल मॉडल, ये सब पढ़ के जाना है आपको।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल, ये सभी पढ़ के जाना है। ओके, इसके अलावा ये जो फॉलो फियरी मॉडल है, फ्री, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा मॉडल है। ये एक काइंड ऑफ इनका ऐसा मानना था कि थ्रू दी अवेयरनेस, और जिसका इन्होंने नाम दिया था कॉन्सेंटाइजेशन, कॉन्सेंटाइजेशन कंसेप्ट के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना, समझाना, एजुकेट करना, राइट। ये मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? फॉलो फेरे के द्वारा। एग्जाम में आ सकता है और उनका कंसेप्ट पूरा पढ़ लेना। ओके, सोशल मूवमेंट क्या होता है, सोशल मूवमेंट, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, राइट, उसको पढ़ लेना। डिफरेंट तरीके के जो डिफरेंट है टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं, जैसे कि माइग्रेटरी मूवमेंट है, जैसे कि जब एक लोग एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ मूवमेंट कहलाता है ना। या फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है, जैसे कि डिफरेंट रेवोल्यूशन हुए डिफरेंट कंट्री में, जैसे चाइना रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सोवियत रेवोल्यूशन, राइट, तो ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहलाते हैं। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होते हैं जो कि जिस समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा को बैन करना, डोरी सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, इसको अबोलिश करना, राइट, ये सभी के सभी कहलाते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, रेसिस्टेंस मूवमेंट कहलाते हैं, किसी चीज़ को रोकने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए सरकार को, है ना, उसे बोलते हैं रेसिस्टेंस मूवमेंट। क्लास मूवमेंट भी होता है, क्लास बेस्ड मूवमेंट होते हैं, किसी खास क्लास के द्वारा चला जाते हैं। पीजे मूवमेंट, राइट, जैसे बंगाल रिवोल्ट हुआ 1859 के आसपास, है ना, बरदोली सत्याग्रह है, चंपारण मूवमेंट है, ये सभी के सभी कहलाते हैं आपके पीजन मूवमेंट, राइट। वर्कर मूवमेंट, जैसे कि किसी जगह काम करने वाले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, एसोसिएशन में काम करने वाले लोग के द्वारा जो है, जो ट्रेड यूनियन के द्वारा मूवमेंट चलाए जाते हैं, वो वर्कर मूवमेंट कहलाते हैं। दलित मूवमेंट है, इसके अलावा बैकवर्ड क्लास मूवमेंट होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट में संथाल, है ना, उरांव मुंडास के द्वारा छोटा नागपुर प्लेटू में चलाए गए मूवमेंट, उनको बोलते हैं ट्राइबल मूवमेंट। ओके, ये सभी आपके आ जाएंगे इसके अंदर। और क्या बचा इसमें? प्रोसेस ऑफ सोशल मूवमेंट। ओके, प्रोसेस क्या क्या होता है इसको पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव क्या है। सोशल चेंज तो आई थिंक वी हैव डिस्कस ना, राइट, वी हैव डिस्कस दिस थिंग। देखिए इसमें जो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं, राइट। इमरजेंस, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है ना। कोलिजेंस एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड डिक्लाइन, ये जो प्रोसेस है इनको पढ़ना है। ओके, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए। सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज का मतलब क्या है, समाज में बदलाव किस प्रकार से आता है, और डिफरेंट आइडियोलॉजी के जो थिंकर हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, मार्टिन लूथर किंग है, ये काइंड ऑफ इन्होंने फोकस किया था नॉन वायलेंस पर, राइट। और जो फ्रेंड्स फैनोन है और सोलनस्की, इनका फोकस था काइंड ऑफ एक रेडिकल अप्रोच अपनाना थ्रू दी वायलेंस, इसका इस प्रकार से, तो इनको देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तो आपको एक आइडिया है ही कि ये किस प्रकार के नेता रहे हैं, किस प्रकार के लीडर रहे हैं, वही आपको पता होना चाहिए बस। बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ कोई उनकी जीवनी नहीं आती है कि उनके बारे में लिखो या फिर उनके बारे में डिटेल में बताओ, बस थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कौन सी विचारधारा है, कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं, क्या आइडियोलॉजी इनकी, क्या अप्रोच रही है डिफरेंट लीडर्स की, बस। ओके, अभी यूनिट 5 को देख लेते हैं। यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली यूनिट 5 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और साथ ही साथ पेपर वन के लिए, राइट, पेपर वन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो नियर अबाउट आप पूरे पेपर में 15 से लेकर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जरूर देखेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी कोशिश करना है कि इसमें जो सभी चैप्टर हैं उनको कवर कर लो, और स्पेशली जो यहाँ पर मेंशन है उनको तो कवर करके आपको जाना ही है, सबको पढ़ के जाना है। ओके, देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च समझ लेना, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का, राइट, उसको रिसर्च बोलते हैं। एक सिक्वेंस होता है उसमें, एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन के माध्यम से। ओके, और कितने प्रकार का रिसर्च होता है, जैसे कि आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना,
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है ना, कॉजल रिसर्च है, कॉजल कंप्यूटर बोलते हैं इसको, प्योर रिसर्च, इसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोल सकते हैं, जिसको हम बेसिक रिसर्च बोल सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च होती है, राइट। ये जितने भी प्रकार हैं इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक केस दिया होगा, केस पढ़ करके आपको बताना होगा कि कौन सी रिसर्च हो सकती है, तो इनको आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें रिसर्च प्रोसेस। देखिए रिसर्च प्रोसेस तो आपको आइडिया रहे होगा ही होगा कि क्या रिसर्च प्रोसेस होता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, क्या प्रॉब्लम है, ओके। उसके बाद जो प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है ना, अर्लियर स्टडी जो हो चुकी है उनको पढ़ना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, फाइंडिंग। उसके बाद एक आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसी के अनुसार आप आरओएल करते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका बन जाता है यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाना, अगर रिक्वायर्ड है तो हाइपोथेसिस आप तैयार करते हैं। उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पूरा का पूरा रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है। देन उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट, डेटा एग्जीक्यूशन करना, उसके बाद फिर डेटा का कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसकी फाइंडिंग निकाल ली है, राइट, जो भी कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है वो आपको देनी होती है। ओके, ये पूरा का पूरा आपका रिसर्च प्रोसेस होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आता है। और हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ टेंटेटिव थ्योरी होती है, एक टेंटेटिव, राइट, एक टेस्टेबल बोल सकते हैं, जिसको टेस्ट करना, एक ऐसी थ्योरी जिसको टेस्ट करना बाकी है अभी, जिसके माध्यम से आप मोर देन डिफरेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालते हैं, राइट, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो कई प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, ओके, जिसको आप एच नॉट से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है जिसको आप एच वन से डिनोट करते हैं, एच ए से भी डिनोट करते हैं, राइट, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि इसका जो कैसे आप इसको डिनोट करते हैं या एच ए से करते हैं। डिडक्टिव हाइपोथेसिस है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, इसको पढ़ लेना, है ना, और कितने प्रकार की एरर होती है, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर। टाइप वन एरर का मतलब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं जब ट्रू होती है। इसी प्रकार से टाइप टू एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं जब वो फॉल्स होती है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिग्निफिकेंस, लेवल क्या होता है इसको पढ़ लेना, और क्या क्या एरर होती है, एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर एंड रिसर्च डिजाइन भी इसमें, राइट। देखिए रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि आप कितने प्रकार से जो है रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं, काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट मैंने बताया ना कि पूरी रिसर्च के बारे में एक डिटेल प्लान होता है, डिटेल प्लान कि कैसे आप रिसर्च का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने वाले हैं, ओके, किसके में कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, तो एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होती है, उसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन, ओके। तो कई प्रकार की होती है, जैसी रिसर्च होगी उसके अनुसार रिसर्च डिजाइन करनी होती है, राइट, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, एक्सप्लेनेटरी हो सकती है, डायग्नोसिस हो सकती है, है ना, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल हो सकती है, केस स्टडी रिसर्च डिजाइन हो सकती है। तो इस प्रकार से आपकी रिसर्च डिजाइन बन जाती है, इनको पढ़ना अच्छे से। अब आ जाता है सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ओके। सैम्पलिंग कितने प्रकार की सैम्पलिंग होती है, ओके, और सैम्पलिंग बायसनेस क्या है सैम्पलिंग, और इसके अलावा आपका जो क्या है इसमें सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग बायसनेस। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सैम्पलिंग बायसनेस को हम कम कर सकते हैं अगर हम सैम्पल साइज को बढ़ा देते हैं, तो क्या है जो स्टेटमेंट है सही है गलत है, बताइए, आपको चूज करना है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट।
देखिए, सैम्पलिंग बायसनेस को आप नहीं कर कम कर सकते, ओके, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। वो होती है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जो होती है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर सैम्पल साइज बढ़ा देते हैं या पॉपुलेशन की जो है साइज बढ़ा देते हैं, ओके। एरर का मतलब होता है काइंड ऑफ कितनी कम प्रिसीजन है आपके सैम्पलिंग प्लान में, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग बायसनेस का मतलब होता है आपके सैम्पलिंग जो प्रोसीजर है ना, उसमें एरर आ जाना, उसे बोलते हैं सैम्पलिंग बायसनेस। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मेथड एंड डेटा, टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। देखिए, सैम्पलिंग मेथड्स पूरे पढ़ लेना आप, कितने प्रकार के होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनके सभी के अंदर रहते हैं, उन सबको आपको पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कोई पूरा पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और मेथड इन डेटा कलेक्शन प्राइमरी मेथड है ना, सेकेंडरी मेथड होता है डेटा कलेक्शन करने का, और कौन कौन से टूल होते हैं, है ना, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, थ्रू दी क्वेश्चन आयर, थ्रू दी शेड्यूल, थ्रू दी इंटरव्यू, इस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट तरीके से। नेक्स्ट है रेफरेंस स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों जो रेफरेंस स्टाइल है उनको पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ओके। एपीए, शिकागो एंड एमएलए, तीनों के फुल फॉर्म, तीनों का क्या, इन दोनों के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, और इनका एक एक एग्जाम्पल समझ लेना, ओके। नेक्स्ट है आपका बेसिक हिस्टोरिकल कंसेप्ट। देखिए, इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं आपका ये पूरा एक पार्ट वन हो गया यहाँ तक, ये आपका यहाँ से पार्ट सेकेंड हो गया, ओके। पार्ट वन इतना इम्पोर्टेंट है, उतना ही पार्ट सेकंड है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ओके। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेटा, डेटा को कैसे आपको लर्न करना है, डेटा से कैसे आप उसको मेजर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ओके। इसमें आप मैथमेटिकल साइंस के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मेजर करते हैं, राइट, उसको सही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, ओके। स्टैटिकल इंक्वायरी साइकिल, या इसको PPDSE बोलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है। PPDSE मॉडल जिसको बोला जाता है, PPDSE मॉडल, ठीक है। P का मतलब होता है आपका प्लान, पहले तो प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम, उसके बाद आपका प्लान आएगा, फिर D का मतलब डेटा, डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको आप एनालाइज करते हैं डेटा को, एनालाइज करने के बाद आप कंक्लूजन आता है, तो ये आपका PPDSE मॉडल हो गया, इसको पढ़ लें। किसके द्वारा दिया गया था ये? ओल्डफोर्ड के द्वारा, ओल्डफोर्ड एंड मैके के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक मतलब एक साइंटिफिक मेथड हो जाए, इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे रिसर्च क्वेश्चन सबको एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एंड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिकल मेथड। देखिए, दो प्रकार के अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, ओके, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है थियोरिटिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड में आते हैं दो प्रकार के, पहला होता है आपका एक डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल, ओके। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि डेटा को आप डिस्क्राइब करते हैं, ओके, जैसे कि पाई चार्ट है, डायग्राम है, ग्राफ है। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसमें आप एक बोल सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और उसके आधार पे आप प्रिडिक्शन देते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं कि ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, काइंड ऑफ सैम्पलिंग, जैसे बोलते हैं ना कि 100 सैंपल में से कुछ निकाल लेना और उसके माध्यम से पूरे की पूरी पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करना, उसके करेक्टरिस्टिक्स को बताना, उसको बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मेक प्रिडिक्शन, मेक इन्फ्रेंस फ्रॉम द डेटा, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक जनरलाइजेशन करना, उसे बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, ओके, आपने उसमें से 10 लोग ले लिए एज ए सैम्पल और इन पे आपने स्टडी की और आपने बोल दिया कि अगर इन लोगों के साथ इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए इनका आप बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो सेम जो है जो रिजल्ट आप अप्लाई कर देंगे पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे, उसे बोलते हैं इन्फ्रेंस निकालना, इन्फ्रेंस करना, प्रिडिक्शन करना, ओके। नेक्स्ट आपका मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, कोई बताएगा कि किसका मतलब क्या होता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का?
measure of center tendency. The tendency to be in the center. कि पूरे का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कोई सीरीज है, उसका मिडिल पॉइंट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कैसे ग्राफ की जाती है? तीन तरीके से, पहला आपका मीन, मीडियन एंड मोड, इसके माध्यम से आप जो है सेंटर टेंडेंसी ज्ञात करते हैं। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे ज्ञात करते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्जन करते हैं आप, उसके लिए रेंज निकालते हैं, ओके, वेरियंस निकालते हैं, और वेरियंस का स्क्वायर करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो ये तरीके होते हैं दोनों को ज्ञात करने का, कैसे आप डिस्पर्जन निकाल लेते हैं, कैसे सेंटर टेंडेंसी निकाल लेते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी, वन सेकेंड, मीन, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, ओके, सिंपल भाषा में एवरेज बोल सकते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन एक मिडिल वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए एक सीरीज है, तो लगभग जो मिडिल वैल्यू होगी उसको आप बोल देंगे मीडियन, ओके। मोड का मतलब क्या होता है? जो नंबर कई बार रिपीट हुआ होता है, जैसे मान लो टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, तो जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है उसको मोड बोल देते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, मान लीजिए 12 है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके, उसका माइनस, मतलब 12 माइनस 10, इस प्रकार से कर सकते हैं, उसको रेंज निकाल लेते हैं, ओके। और यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है कि मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन है, तो ये भी याद कर लेना। मोड इक्वल टू होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। ये हो गया, ये दोनों आपको यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका ये जो टेस्ट आते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और स्क्यूनेस एंड कर्थेसिस, ये भी पढ़ लेना है। देखिए, स्क्यूनेस का मतलब यही है कि अगर ये जो मीन, मीडियन, मोड की वैल्यूज एक जैसी नहीं है ना, तो डेटा में असिमेट्री है, तो उसको बोलेंगे स्क्यूनेस, ठीक है। तो दो प्रकार की स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, इसको पढ़ लेना आप। इसी प्रकार से आप जो है कर्थेसिस को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम बना देते हैं, हाईएस्ट पीक होगा उसको बोलते हैं आपका लेप्टोक्यूरोटिक, ओके, और पीक कम है तो उसको बोलेंगे आप प्लेटीक्यूटिक, और एक बीच में जो नॉर्मल कर्व होता है उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। बाकी क्या बचा हुआ है इसमें? पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके। पैरामेट्रिक टेस्ट यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में हमको पता होता है, जैसे कि क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अब उस पर आप कोई भी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में आपको पूरा पता है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में आपको पता नहीं होता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, रोड पर घूमने वाले लोग हैं, अब आपको उस पर स्टडी करना है, तो पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, तो उस वहाँ पर हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, मैनविटन टेस्ट है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में आएंगे। तो बेसिक तो आपको यही पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो ये बेसिक आइडिया रहना चाहिए, बाकी थोड़ा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये बेसिक पूरा का पूरा यूनिट 5 का है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दो छोटे छोटे टॉपिक, इनको पढ़ लेना, ओके। बस यूनिट 5 में इतना हो जाएगा, और ये आपका पार्ट 1 है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर लिए यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक, और पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक। बस इतना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, बहुत है, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ऐसे कोई नहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड वी विल डिस्कस रिमेनिंग यूनिट इन द 2nd पार्ट।